नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। जिला परिषद के प्रत्याशी रेणुका मुर्मू ने कहा, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। साहिबगंज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की चुनावी सरगर्मी तेज बढ़ती ही जा रही है। इस बीच प्रत्याशी और जनता में खासा उत्साह और समकरण देखा जा रहा है। अब तो देखने वाली बात होगी कि किसकी गांव में सरकार होगी और किसकी किस्मत मरता आ जाएगा, यह तो जनता पर निर्भर करता है। इसी बीच में बरहेट प्रखंड के क्षेत्र भाग संख्या 7 से रेणुका मुर्मू ने जिला परिषद सदस्य के पद पर अपना नामांकन दाखिल कर पत्रकारों से बातचीत के क्रम में बताया कि जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, साथ ही महिलाओं की भागीदारी मेरी जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा, पूर्व में जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हूं, जनता दोबारा मौका दिया तो विकास का काम अधूरा जो रह गया उसे पूरा करूंगी। हर योजनाओं में पारदर्शिता रख कर जनता को उसके योग्य सेवा दिया जाएगा। पूरे क्षेत्र को मूलभूत सुविधाओं के साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं रोजगार सृजन कर जोड़ना तथा स्थापित करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। महेंद्र प्रसाद, साहिबगंज, झारखण्ड। जिला परिषद क्षेत्र से तो मैं अपना सीट जीत करके आऊं, इसके बाद आगे की जो रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी। क्या माना जाएगा? हमारा फोकस जिला परिषद पर ही है। अध्यक्ष के लिए क्या माना जाएगा? अभी उसमें कहना कुछ नहीं, जल्दबाजी हो, अभी काफी टाइम है। चूंकि ये गांव की सरकार बनने जा रही है तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और मेरे लिए तो सबसे पहले बहुत गर्व की बात है कि मैं दोबारा जिला परिषद के लिए आज मैंने नामांकन भरा है। तो जो चीज़ें पहले छूट गई हैं उसी विकास के मुद्दे को आगे बढ़ाया जाएगा। और सबसे ज़्यादा हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा सरकार से कि जो उन्होंने फंडिंग पिछले वर्षों नहीं करा है, 2 साल से पंचायत का विकास रुक सा गया है, इस पर उम्मीद है कि सरकार आगे ज़्यादा से ज़्यादा फंड दे ताकि जो रुका हुआ है, बाधित काम है, वो आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।